अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये काफ़ी दिन पहले की है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला इसको बनाने का, सेट करने का। तो ये एस्ट्रा की शॉपिंग की वीडियो है। एस्ट्रा कंपैरेटिवली सस्ता भी है और एनएचएस वालों को यहाँ पे 10% डिस्काउंट भी है। अगर एनएचएस के जो वर्कर्स हैं वो अपना कार्ड दिखाएं, ब्लू कार्ड, तो उनको यहाँ पे 10% इन स्टोर, ऑनलाइन नहीं, इन स्टोर है। और ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम, बादामा वाली आइसक्रीम, इसको मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। और शायद मुझे लगता है मैं नट्स के लिए ही खाती हूँ, क्योंकि मैं चॉकलेट्स भी वही खाती हूँ जिनमें नट्स होते हैं। खाली चॉकलेट का भी मुझे इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं है, ना मुझे आइसक्रीम का इतना शौक़ है, लेकिन जिस भी इन दोनों में से जिसमें भी नट्स हों वो मैं शौक़ से खाती हूँ। और ये डिफरेंट चीज़ों के रेट्स भी साथ ही लगे हुए हैं। और यहाँ पे आइल्स के अंदर वो भी होते हैं, छोटे छोटे ना बार कोड स्कैन करके आप कीमत भी देख सकते हैं, वो भी लगे होते हैं। कैंडीज़, और ये जो खैर जेलेटिन कैंडीज़ हमारे लिए तो हराम है, क्योंकि इसमें पोर्क की जेलेटिन डाली होती है ज़्यादातर चीज़ों में। बल्कि मल्टी वाइटमिन भी जो यहाँ से लेते हैं, जितने भी फैट सॉल्युबल वाइटमिनस होती हैं लाइक वाइटामिन डी हो गया, तो उनको भी बनाने के लिए जो ये जेलेटिन यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर पोर्क की जेलेटिन होती है, तो वो भी मैं यहाँ से नहीं ख़रीदती। लेकिन अगर आपको हलाल चाहिए तो वो शॉप्स में आप देख सकते हैं कि वेजिटेरियन ओरिजिन की मल्टी वाइटमिनस होती हैं, मल्टी, इसके अलावा डिफरेंट किस्म की जो न्यूट्रिशन के सब होती हैं चीज़ें लाइक प्रोटीन पाउडर, ये वो सब कुछ के ऊपर कंटेंट्स में लिखा होता है कि उसमें क्या क्या है। और अगर जेलेटिन लिखी हो तो आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं कि क्या इस कंपनी की ये चीज़ यूके में जो मिल रही है वो हराम है या हलाल। इसके अलावा कुछ ऐप्स भी होती हैं जिनको आप जब बार कोड स्कैन करते हो तो आपको बताती हैं कि इसके कंटेंट्स हलाल हैं, ये इसमें कुछ हराम है, तो वो भी यूज़फुल होती हैं। और जहाँ तक मल्टी वाइटमिन्स का चक्कर है तो वेजिटेरियन आप ले सकते हैं, अमेज़ॉन पे भी इसी तरह वेजिटेरियन ऑर्डर कर सकते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला था, मसलन एक है मल्टी वाइटमिन जो कि सेंट्रम के नाम से, और वो अबव 50 वालों के लिए सिल्वर सेंट्रम के नाम से है, वो बहुत पाकिस्तान में भी लिखी जाती है और मिडिल ईस्ट में बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो जब मैंने पहली दफ़ा देखा कि कहीं लिखा हुआ पढ़ा कि यूके में वो हराम है, मैं बड़ी हैरान हुई कि मैं तो बहुत अरसा ये यूज़ मतलब ख़ुद भी की है और बहुत से अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए भी लेके जाती रही हूँ पाकिस्तान, यहाँ से नहीं मिडिल ईस्ट से। तो फिर मैंने वो सर्च किया तो उसमें कंपनी की तरफ से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी कि जो भी मिडिल ईस्ट या पाकिस्तान की तरफ जाती है वो हलाल जेलेटिन से बनती है, और जो इन कंट्रीज़ की तरफ आती है यूरोप में बनती है वो जेलेटिन हलाल नहीं है। तो ये एक इंफॉर्मेशन अगर आप में से किसी को नहीं पता तो उनके लिए, तो इसीलिए जब आपका कोई इंग्लैंड से आ रहा होता है तो इसलिए मेहरबानी किया करें उनको ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना बोलें, अगर बोलें तो ये मेंशन कर दें कि हलाल वाली ढूंढ के लाएं। तो इसके अलावा विटामिन डी बहुत ज़रूरी है इस कंट्री में और हर उस कंट्री में जहाँ पे आपका सन एक्सपोजर नहीं होता, बिकॉज आपका जो डेली का सन एक्सपोजर होता है वो भी जिस्म का वो हिस्सा जो आपका कवर्ड नहीं होता वहाँ से आपकी बनती है विटामिन डी। तो जिन मुल्कों में भी अगर हमारा डेली का सन एक्सपोजर इतना नहीं है कि हमारी बॉडी खुद से विटामिन डी बना सके, तो स्लोली स्लोली आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है जो अपने आप को डिफरेंट तरीक़ों से प्रेजेंट करती है उसके सिम्टम्स में, मतलब उसके जो सिम्टम्स हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है, थकावट हो सकती है, बोन पेन्स हो सकती हैं, ऐसे ही मतलब कभी घुटनों में दर्द, तो कभी किसी घोड़े गिट्टे में दर्द, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं अगर आप विटामिन डी लेवल्स कराएं तो कई दफ़ा आपकी उसकी कमी की वजह से ये सब भी हो रहा होता है। और
हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो बहुत अच्छे इंजेक्शंस मिलते हैं इन ड्रॉप डी के नाम से। इसी तरह टैबलेट्स मिलती हैं जो बहुत हैवी डोज की होती हैं, हैवी डोज इन द सेंस के डेफिशिएंसी में वो अच्छी काम कर जाती हैं। फिर आपकी डेफिशिएंसी ना हो तो फिर आप मेंटेनेंस डोज अगर खाते रहें तो वो तो इतनी हाई डोज नहीं होती, वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा वाइटामिन डी रेडीमेड कोई भी खाने में नहीं आती, यानी किसी खाने में आपको वाइटामिन डी नहीं मिलती कि आप वो ज़्यादा खाएं तो आपकी ठीक हो जाएगी। इसी तरह जो लोग ख़वातीन बूढ़ी उम्र की होती हैं, मे बी बूढ़ी उम्र नहीं कहना चाहिए, जो भी पोस्ट मेनोपॉजल होती हैं उनकी बॉडी में वो कैल्शियम लेती हैं, क्योंकि उनको बताया जाता है कि आप कैल्शियम लेंगी तो आपकी बोन हेल्थ अच्छी रहेगी। मगर मैं आपको ये बता दूं कि खाली कैल्शियम आपको नुकसान भी दे सकती है, क्योंकि आपकी बोन्स तो ऑलरेडी कमज़ोर हो रही हैं, जिनकी वजह से बोन्स का अपना जो कैल्शियम है वो आहिस्ता आहिस्ता टूट कर आपके खून में आ रहा है, तो खून में आपके कैल्शियम के लेवल्स वैसे ही हाई होंगे। तो अगर आपने उस कैल्शियम को बोन्स के अंदर शिफ्ट करना है तो उसके लिए आपको वाइटामिन डी की वाफर मिकदार चाहिए। तो कोशिश करें कि आप वाइटामिन डी के चीज़ें भी साथ लेते रहें, ताकि जो भी आप कैल्शियम लेते हैं वो आपकी बोन की तरफ जाए, ताकि आपको फ़ायदा हो उसका। और खैर ये ज़्यादा तो इन मुल्कों में है जहाँ पे सन एक्सपोजर नहीं है, धूप नहीं लगती डायरेक्ट, लेकिन जो हमारा पाकिस्तान है वो तो माशाल्लाह बहुत रिच है इस मामले में कि आप जैसे रूटीन में भी अगर बाहर घर से निकलते हो तो आपको 10-15 मिनट की धूप तो लग ही जाती है। और यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है शायद कि खाना पीना जो है वो कंपैरेटिवली सस्ता है बाकी चीज़ों की निस्बत, जो अगेन एक अच्छी चीज़ है कि बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ आपकी जब अफोर्डेबल प्राइसेस पे हों तो भी आपको आपकी लाइफ आसान हो सकती है। और फिर उसके बाद लग्जरीज का इस मुल्क में ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे हर तरह की लग्जरी है, और वो आपको इस तरह से लग्जरीज का को आपको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप उस चक्कर में पड़ जाएं तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स पे इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स भी हैं और इंटरेस्ट के साथ भी हैं कि आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। अब वो देखने को अच्छी चीज़ है, मसलन फ़र्ज़ करें आपने खाली अगर जूते कपड़े भी लिए हैं और वो भी आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं, तो बज़ाहिर मज़ा तो आएगा कि 3 महीने में मैं पैसे दे दूंगी और इंटरेस्ट फ्री होगा, और 3 महीने से ऊपर होगा तो फिर इंटरेस्ट लगेगा इतना इतना। अगर इंटरेस्ट लगा तो वो जुआ, सॉरी सॉरी नॉट जुआ, सूद, जो कि गुनाह में आएगा। और अगर इंटरेस्ट नहीं भी लगा और आपने 3 महीने की इंस्टॉलमेंट्स भी किए हैं तो वो आपको फिर फ़ौरन, चूँकि हाथ से पैसे नहीं निकलते ना, तो आपको लगता है वो कुछ नहीं, मैंने शॉपिंग कर ली लेकिन इतने पैसे नहीं देने पड़े, लेकिन फिर भी निकले तो सही ना, आपसे निकलेंगे तो सही वो 3 महीनों में करके ही। तो इस तरह से एक चक्कर चलना शुरू हो जाता है फिर कि लोग अपने मोबाइल जल्दी जल्दी अपडेट करेंगे क्योंकि वो माहाना किस्तें देते रहेंगे। इसी तरह जूते कपड़ों के लिए एप्लीकेशंस ऐप्स हैं जिनकी वजह से जिनसे आप पेमेंट कर सकते हो 3-3 किस्तों में, या अगर चाहें तो सूद के साथ 6 महीने साल जितना मर्जी उसको बढ़ाते जाएं। तो ये बहुत यहाँ पे एक तरह से एक लुभाने वाली एक लाइफस्टाइल है कि आपको अट्रैक्ट करके उस चक्कर में डाल देते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि चूंकि बेसिक ह्यूमन नेचर है कि हमें अच्छा लगता है कि हमें इक्वली ट्रीट किया जाए, हमारी इज्जत की जाए, तो यहाँ पे ओपनली आपके जूते कपड़ों से आपकी कोई नहीं आपको मतलब जज करता कि इस बंदे को इतनी इज्जत देनी है और इसको नहीं देनी। तो इसलिए वो भी फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आपकी मर्ज़ी है, अगर आप सादा ज़िंदगी को तरजीह दें तो आपकी सादा ज़िंदगी भी आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होगी, वो भी आपको इक्वल राइट्स ही देगी।